अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम एहसन इकबाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चनयुटी एडिटर। आज मैं आपको लाइट रूम के ज़रिए पिक को एडिट करने का तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी डल पिक को ग्रेसफुल बना सकते हैं लाइट रूम का इस्तेमाल करते हुए। तो काइंडली आप अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो सबसे पहले आपने लाइट रूम अप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, आपको एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगी। आपको ये लोगो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा लाइट रूम का, इस तरह की ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है, एप्पल स्टोर या ऐप स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। तो आपने लाइट रूम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपको कैमरा रोल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी को पिक सेलेक्ट कर लेनी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पिक है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह की पिक्स आपको आईफोन में नज़र आती होंगी जिसपे चेहरा येलो हो जाता है, बैकग्राउंड भी ठीक तरह ग्रेस नहीं करती। तो ये लाइट रूम आपकी इसमें बहुत मदद करेगा अपने फ़ोटो को HD क्वालिटी में बनाने के लिए। तो मैं जिस तरह की सेटिंग बताऊंगा आपने बिल्कुल ऐसी ही सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले इधर हम कलर्स पे जाएंगे, तो जिस तरह की मैं सेटिंग कर रहा हूँ, जिसे जितना कम करता हूँ जितना ज़्यादा करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा। आपने वीडियो को रोटेट कर लेना है बड़ी स्क्रीन पर, तो आपने इस तरह की सेटिंग करनी है जिस तरह की मैं कर रहा हूँ। तो आपको ये रेड निशान नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे रेड निशान आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा मैं किस चीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इस तरह आपने अपनी पिक को एडिट करना है जिस तरह की मैं सेटिंग कर रहा हूँ। आपने इसके अलावा और कोई सेटिंग नहीं करनी, अगर आप करेंगे तो आपकी पिक ख़राब हो जाएगी। देख लें कि आप चेहरे को किस तरह वाइड करते हैं और इसे फ़ोटो को एक HD लुक देते हैं, आपको बिफोर और आफ्टर सब कुछ नज़र आ जाएगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखनी है। उसके बाद मैं इधर डिटेल पे आता हूँ। यहाँ पे जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ आपने बिल्कुल इस तरह की सेटिंग करनी है, जितना मैं इसे रखता हूँ मनफी, जितना मैं इसे ज़्यादा रखता हूँ आपने उतना ज़्यादा करना है, जितना कम रखता हूँ आपने उसे उतना ही कम करना है, कुछ और नहीं करना। आपने जैसा मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आपने वैसी ही सेटिंग करनी। मैं आपको बिल्कुल स्लोली स्लोली समझा रहा हूँ आसान तरीके के साथ, तो आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है। और जहाँ पे आपको मेरी वॉइस ना सुनाई दे तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं खुद ही उसे ब्रेक करूँगा, क्योंकि मैंने ये रेड निशान लगा दिया है टच का, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं जहाँ पे टच कर रहा हूँ आपको सब कुछ दिखाई देता रहेगा, तो आपने वॉइस की टेंशन नहीं लेनी। तो जैसी मैं सेटिंग कर रहा हूँ आपको सब कुछ पता चलता जाएगा, आपने बिल्कुल ऐसी सेटिंग करनी है। तो वीडियो को कंटिन्यू रखें, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो वॉच करना। अगर आप किसी एक सेटिंग को भी स्किप कर देंगे तो आपको ये फ़ोटो जो है वो पहले जैसी बल्कि पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो आपने सेटिंग ऐसी करनी जैसे मैं कर रहा हूँ।
तो फाइनली हमारी जो पिक है वो एडिट हो चुकी है। हम इस पर ज़्यादा दबाएंगे तो आपको ये आफ्टर और बिफोर दोनों दिखाएगा। ये देख सकते हैं आप कितनी HD लुक आ गई है, चेहरा भी बिल्कुल वाइट हो चुका है, बिल्कुल HD फ़ोटो बन चुकी है। तो यहाँ से हम इसे ऊपर जाके सेव कर लेंगे। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई एडिटिंग की आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।